हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बिकॉज एटॉमिक स्पेक्ट्रा गिव द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो अब आगे अपन स्टडी करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट आपको फीचर्स प्रोवाइड करवाएगा अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हुआ वो हुआ एक सनलाइट है उसको अगर अपन प्रिज्म से पास करते हैं, ये अपने पास में सन है, इस सनलाइट को कहां से प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्या होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इसमें जाती बेटा ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और 7 कलर्स को अपन इसमें विद गो पढ़ बताया था मैंने आपको, जो विजिबल रीजन ईएमआर स्पेक्ट्रम की आपकी बात हुई थी। तो यहाँ पर जो 7 कलर्स का जो अपन को बैंड फॉर्मेशन होता है, 7 कलर्स का जो बैंड फॉर्मेशन होता है उसको कैसे लिखते हैं, विब यो। कौन कौन सा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम होता है ये क्यों ऑब्टेन होता है, इसका रीजन है ड्यू टू डिस्पर्शन। क्यों होता है बेटा, ड्यू टू डिस्पर्शन। क्लियर। और डिस्पर्शन से यहां पर अपन को क्या ऑब्टेन हो जाता है, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑप्टेन होता है बेटा, स्पेक्ट्रम ऑप्टेन होता है। क्लियर। दोबारा समझते हैं, इफ सनलाइट पासेस ए प्रिज्म देन वी ऑप्टेन 7 कलर्स बैंड। दीज आर विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका रीजन क्या है, ये अपन को एक दूसरे में मर्ज मिलेंगे ड्यू टू डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन से अपन को यहां पर क्या ऑब्टेन होता है, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम आप किस टाइप का दिखता है, कंटिन्यूस। इस टाइप का दिखता है बेटा, कंटिन्यूस टाइप का दिखता है। क्लियर। दैट मींस वी कंक्लूड दैट सनलाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे अगर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है तो ये क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है। कौन, सनलाइट। क्लियर। ये पूरा कंक्लूजन जो निकल के आता है वो क्या है कि सनलाइट क्या है अपने पास में, इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन को कंटिन्यूसली क्या देती है, स्पेक्ट्रम, जो 7 कलर्स का बैंड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू डिस्पर्शन। 7 कलर्स आपको ध्यान है, जिसको आप रेनबो की फॉर्म में भी देखते हो जब रेनी सीजन होता है। 7 कलर्स का जो बैंड फॉर्मेशन होता है वो कब ऑब्टेन हो जाता है, रेनी सीजन, रेनबो से आप बोलते हो। क्लियर। बट यहां पर अगर इसी केस को अपन अप्लाई कर दे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, जिसको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम ऑफ अगर इसका एनालिसिस किया जाए, तो अपने पास में ये जो कंटिन्यूस वाली फिनोमिना है ये क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। बिकॉज स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज ऑब्टेन डिसकंटिन्यूस। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, इसके बेस पे अगर इसी को अप्लाई करें अपन एटम पे, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आल्सो ऑब्टेन डिसकंटिन्यूअसली मैनर एंड इन फॉर्म ऑफ सार वेल डिफाइंड लाइंस और मैग। क्लियर।
obtain as sharp well defined lines, obtain as sharp well defined lines or bands. This spectrum also explained in two type of spectrum. जो आपका spectrum of atom है, जिस जो discontinuous manner का होता है उसमें sharp well defined line obtain होगी, उसको अपन दो टाइप से एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. फर्स्ट कौन सा होगा आपका? एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम. और सेकेंड होगा अपने पास में कौन सा बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इट इज क्लियर. स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आल्सो एक्सप्लेन बाय एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इट इज क्लियर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम. क्लियर? ध्यान से इसको समझिएगा कि क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम, कैसे ऑब्टेन हुआ, वो चीज आप देखिए. स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्पेक्ट्रम, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम. इसकी बात करेंगे अपन एमिशन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम. क्लियर? पहले अपन डायग्राम की बात करते हैं कि जो फिनोमिना आपको ऑब्टेन हो रही है उससे देखो आप लाइन स्पेक्ट्रम एज द ब्राइट लाइन अपन को यहां पर. क्लियर? कोई डाउट है? देखिए अपने पास में एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो कोई सब्सटेंस है, ये अपना कोई भी क्या है? सब्सटेंस. क्या है? सब्सटेंस. जब सब्सटेंस से आपकी रेडिएशन क्या होती है? एमिट होती है. क्या होती है? एमिट होती है. सब्सटेंस से रेडिएशन क्या होती है आपकी? एमिट होती है. ये एमिट है. क्या है बेटा? ये एमिटेड रेडिएशन. क्या है ये? एमिटेड रेडिएशन. विच एनर्जी प्रोवाइड बाय द पासिंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और हीटिंग. इनको एनर्जी कहां से ऑब्टेन होती है? या तो इनको डिस्चार्ज ट्यूब से पास कर दो या इसको हीट कर दो. दीज एडिशंस एनर्जी ऑब्टेन बाय द पासिंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और हीटिंग. तो यहां पर जो सब्सटेंस है देखो, डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम है या नहीं है? दैट इज क्लियर. तो हाइड्रोजन एटम को अपने ऑलरेडी इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर रखा है, तो यहां से क्या प्रोवाइड होगी? एनर्जी प्रोवाइड होगी. इसको अपन यहां से पास करेंगे. बीच में क्या लगा रखा है अपन ने? स्लिट लगा रखा है. क्या है अपने पास में? प्रिज्म. प्रिज्म से जैसे ही पास होती है तो यहां पर अपन ने इसको ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन लगा रखी है, और उस स्क्रीन पर कौन सी ब्राइट लाइन, इसको जब एनालिसिस किया जाता है तो अपन क्या होती है? ब्राइट लाइन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम. क्या होता है ये? एमिशन स्पेक्ट्रम. क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस से क्या हो रही है? एमिट हो रही है. क्या हो रही है? सब्सटेंस से एमिट हो रही है. उनको एनर्जी प्रोवाइड कौन करवा रहा है? डिस्चार्ज ट्यूब या हीटिंग. उसको हटा के आप क्या कर दो? हीट कर दो. राइट? देन पास प्रिज्म, देन वी ऑब्टेन लाइन स्पेक्ट्रम एज ए ब्राइट लाइन. दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम. तो क्या बोलेंगे अपन? एमिशन स्पेक्ट्रम. कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए. तो अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो फर्स्ट पार्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम, ये आज की क्लास में अपना कंप्लीट हो गया. आई होप आपको समझ में आया होगा. वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.